आज जेडीएस हैव ज्वाइन जो एनडीए अलायंस के लिए ज्वाइन हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है विकसित भारत 2047, इनके तहत पूरे देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, आगे आने वाले 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शंस है, वही फिर से एक बार मोदी जी का सरकार ही आने वाला है। और निश्चित रूप से एनडीए स्ट्रांग करने के लिए हमारा जेडीएस पार्टनर कर्नाटक से जो है वो आज एनडीए को ऑफिशियली ज्वाइन हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, अमित भाई शाह बाकी डिक्लेयर करने वाले हैं। इसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता के हिसाब से आई हैव गिवन सम रोल इन दिस अलायंस, सो डेफिनेटली मैं जेडीएस को एनडीए ज्वाइनिंग पे बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 के लिए मोदी जी का विजन फिर से एक बार एनडीए अलायंस स्ट्रांग होने के लिए और विकसित भारत 2047 करने के लिए सबका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें कर्नाटक में जेडीएस का रोल भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का इज वेरी इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली वंस अगेन वी आर गेटिंग द फुल मेजोरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। फिर एक बार हम 302 पार कर रहे हैं, इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी कितना शेयरिंग के बारे में क्या बातचीत चलाए? बाकी सब कुछ हमारे हेड ऑफ द पार्टी एंड आवर पार्लियामेंट्री बोर्ड द जेडीएस और बीजेपी विल डिसाइड। सर, यू हैव टोल्ड दैट यू हैव प्लेड अ छोटा रोल, मतलब आई थिंक यू हैव प्लेड अ मेन रोल बिकॉज यस्टरडे आल्सो यू वेंट टू एसवी कुमार स्वामी हाउस एंड यू हैव डिस्कस्ड फॉर वन आवर। कुमार स्वामी देवेगौड़ा हाउस, बिकॉज कुमार स्वामी वाज आल्सो देयर आई थिंक, सो आई एम सेइंग दैट यू हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस वन। कुमार स्वामी इज माई गुड फ्रेंड, एक्चुअली दैट्स व्हाई मुझे देवेगौड़ा जी से कल मिलने का मुझे योग मिला। मैंने उनके साथ बातचीत की कल और डेफिनेटली वो एग्री हो गए इस बात के लिए। और देवेगौड़ा जी से ब्लेसिंग से, ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी के ब्लेसिंग से कुमार स्वामी हैव टेकन द डिसीजन टू ज्वाइन द जेडीएस टू ज्वाइन एज द एनडीए। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ही छोटा रोल कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने निभा लिया। सर, तीन सीट के लिए बातचीत हो गए बोल के खबर है, सीट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। दैट द जेडीएस एंड भारतीय जनता पार्टी विल डिसाइड। अभी फाइनल नहीं हुआ कि अभी बातचीत चल रही है। मैं बताता हूँ फिर एक बार आपको, जेडीएस एंड भारतीय जनता पार्टी अवर पार्लियामेंट्री बोर्ड दे विल डिसाइड अबाउट द सीट्स।